केजरीवाल से मिलना सियासी अटकलों को हवा दे रहा है। ये मीटिंग क्यों हो रही है? क्योंकि जब ईडी गठबंधन के द्वारा शक्ति प्रदर्शन की कोशिश हुई थी या विरोध प्रदर्शन ईडी और अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट पर हुई थी, तब भी उसकी अगुवाई सुनीता केजरीवाल ने ही की थी। क्या अटकलें इस बात की तेज हो रही है? क्या सुनीता केजरीवाल दिल्ली का अगली मुख्यमंत्री के रूप में सामने निकल कर आएंगी? बड़ा प्रश्न उठ रहा है। क्यों ऐसा ईडी ने कहा कल कोर्ट में कि अरविंद केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम लिया है और कहा है कि विजय नायर उनको रिपोर्ट करता था। जावेद मंसूरी इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि ये विधायक वहां सपोर्ट प्रदर्शन के लिए आए हैं, ये कहने के लिए आए हैं कि जब तक केजरीवाल जेल में है तब तक सुनीता केजरीवाल जी दिल्ली सरकार को चलाएंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आवास के बाहर की सीधे तस्वीर आपको दिखाएं। यहाँ पर वो लोग खड़े हैं जिनके हाथ में अभी पर्चे हैं और जो टैली कर रहे हैं कि कौन विधायक यहाँ पर पहुंच चुका है, कौन अभी नहीं पहुंचा है। लगातार यहाँ पर विधायकों का पहुंचना शुरू है। देखिए आनंद, ये बैठक उस वक्त हो रही है जब आतिशी ने ये आरोप लगाया कि उनको दबाव देकर बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दिया गया। कल भी हमने देखा विधानसभा में एक विधायक ने इसी तरह का आरोप लगाया था कि उसको 25 करोड़ का लालच देकर बीजेपी ज्वाइन करने की बात कही गई। जो आप अटकलों की बात कर रहे हैं, कयासबाजी की बात कर रहे हैं, वो तो कयासबाजी है, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी का स्टैंड यही है कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे, वो जेल से सरकार चलाएंगे। लेकिन सियासत है, सियासत में कहानी और खेल कभी भी पलट सकता है। फिलहाल जो विधायक है उनका पहुंचना शुरू है और जो बड़ी बात यह है जिसमें दिल्ली सरकार के सभी मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं, विधायक पहुंच रहे हैं अभी। जो सिविल लाइन और उसके आसपास ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, हम भी यहां पर पहुंचे हैं तो और पहुंचने में थोड़ा सा वक्त बाकी विधायकों को भी लग रहा है। फिलहाल जो काफी संख्या में विधायक अंदर मौजूद है, क्या निकल कर आएगा आधिकारिक तौर पर, यह तो इंतजार करना होगा, लेकिन जरूर इस सियासी घटनाक्रम दिल्ली में बहुत तेजी से निकल कर सामने आ रहा है। बहुत सारी अटकलें हैं, बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। क्या सुनीता केजरीवाल को दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री चुना जाएगा? क्या ये लालू का बिहार मॉडल है जहां राबड़ी देवी उनके पक्ष में आई थी, उनकी जगह आई थी, तो क्या वही मॉडल यहाँ दिल्ली में हमें देखने को मिलेगा? विक्रांत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, दीपक बिश लाइव जुड़ रहे हैं। विक्रांत बताइए किस तरह की अटकलें लगी हैं? क्या जानबूझकर अरविंद केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया ताकि सुनीता केजरीवाल का रास्ता साफ हो? देखिए आनंद, दो तीन चीजें इस समय न्यूज 18 इंडिया के दर्शक जो हमें लाइव देख रहे हैं उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। पहला ये कि अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, यह आम आदमी पार्टी ने फैसला ले लिया है और आज की बैठक जो हो रही है विधायकों के साथ उसमें भी अरविंद केजरीवाल के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई जाएगी सुनीता केजरीवाल, क्योंकि अब वही जेल में जाकर के उनसे मुलाकात कर रही है और उनके पीए विभव जा रहे हैं, तो सुनीता केजरीवाल के सामने मिलकर विधायक अपनी प्रतिबद्धता जताएंगे। और दूसरी बड़ी बात यह, पार्टी ने तय कर लिया है कि इस मामले में इस्तीफा अरविंद केजरीवाल नहीं देंगे, तो उनका यह कहना है कि सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना या किसी और को मुख्यमंत्री बनाना इसका सवाल ही नहीं उठता। और दूसरी बात आनंद, जो अरविंद केजरीवाल ने कल जो बयान दिया था जिसमें आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया, उस मामले में आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि विजय नायर जो इस मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था और इस समय दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, विजय नायर ने जब 1.5 साल पहले अपना बयान दिया था तो उसने भी अपने बयान में यही बात कही थी कि वो आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था और अरविंद केजरीवाल ने वही बात दोहराई है, तो उसमें कुछ नया नहीं है। अब असल खेल क्या है वो समझने बहुत जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को पूरी को यह लग रहा है कि अगर, क्योंकि आम आदमी पार्टी की फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप इस समय जेल में है, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप का खतरा है। विजय नायर के भी अगर हम बयान की बात करें, अगर उसने भी नाम लिया था 1.5 साल पहले तो पूछताछ तो कर ही सकती है ईडी, और इस समय चुनाव सामने है, अगर सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप पर खतरा आया तो बहुत बड़ी दिक्कत आम आदमी पार्टी के लिए हो जाएगी, प्रचार में दिक्कत होगी, फैसले लेने में दिक्कत होगी, ये तमाम चीजें। तो अब दो ही विकल्प मुझे दिखाई दे रहे हैं, या तो अरविंद केजरीवाल की जगह विधायक दल का नेता कोई चुना जाए जो होता हुआ नहीं दिख रहा, तो क्या दिल्ली संवैधानिक संकट के तहत बर्खास्तगी की ओर कदम बढ़ा रही है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रबल संभावना है, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल कह चुके हैं कि जेल से सरकार नहीं चलने देंगे, हाईकोर्ट ये कह
चुका है कि हालांकि संवैधानिक तौर पर कोई रोक नहीं है, लेकिन क्योंकि ये न्यायिक हस्तक्षेप का मामला नहीं है, ये कार्यपालिका का फैसला है, और अगर राज्यपाल को उपराज्यपाल को कुछ लगता है तो वो फैसला लेंगे, राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। तो आप इन दोनों विकल्प के अलावा दोनों तरफ प्रश्न ये उठते हैं कि अरविंद केजरीवाल अगर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से इस्तीफा मांग सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि जब तक आप जेल में हैं तब तक आप इस्तीफा दे दीजिए और आपके मंत्री पद को किसी और को दे दिया जाएगा, तो बतौर मुख्यमंत्री क्या अरविंद केजरीवाल कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न भी उठ रहा है। इधर अब खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में है और आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, लेकिन जेल मैनुअल के मुताबिक केजरीवाल का जेल से सरकार चलाना बहुत मुश्किल है और कहीं ना कहीं एलजी साहब ने भी इस बार संकेत कर दिए हैं, दे दिए हैं कि जेल से सरकार नहीं चल पाएगी। मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही दिल्ली की आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे और वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। ऐसे में खबर यहां तक आई कि ईडी की कस्टडी से अरविंद केजरीवाल ने कई आदेश दिए। दिल्ली सरकार की तरफ से दावा किया गया कि केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी में रहते हुए आदेश के कई लेटर साइन भी किए। बाद में ईडी की तरफ से इस तरह के किसी भी आदेश और लेटर पर साइन की बात से इनकार कर दिया। अब केजरीवाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल पहुंच गए हैं। दिल्ली आबकारी घोटाले मामले में गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ की बैरक नंबर 2 में केजरीवाल एक रात गुजार चुके हैं और दिल्ली सरकार अभी भी अड़ी हुई है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी की जेल से सरकार चलाने की जिद पूरी होना बेहद मुश्किल लग रहा है। दरअसल दिल्ली से संबंधित फाइल सीएम के जरिए ही जाती है, जेल से ये मुमकिन नहीं। मंत्रिमंडल के सभी फैसलों की जानकारी उपराज्यपाल को सीएम के जरिए ही भेजी जाती है, ऐसी सरकारी फाइल जो सीएम के देखने के बाद ही आगे बढ़ती है, जेल से ये मुमकिन नहीं। जेल में सीएम केवल न्यायिक जरूरत के कागजों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, सरकारी फाइल के साथ ये मुमकिन नहीं। सीएम अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से मुलाकात नहीं कर सकते क्योंकि उनकी मुलाकातियों के नाम में वो शामिल नहीं है। ऐसे में सरकारी आदेश कैसे पारित कर सकते हैं? कैबिनेट के फैसले लेना, आधिकारिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना, जेल से ये मुमकिन नहीं। रोजमर्रा के प्रशासनिक कामकाज का संचालन लगभग नामुमकिन। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट जेल से सरकार चलाने पर रोक की याचिका को ये कहकर खारिज कर चुका है कि ये कार्यपालिका का विषय है, लिहाजा इस पर फैसला उपराज्यपाल, राष्ट्रपति या फिर केंद्र सरकार को लेना है, इसमें न्यायिक दखल का कोई स्कोप नहीं है। केजरीवाल देश के इतिहास में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है, और पहले गिरफ्तारी और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है। दीपक बिष्ट, विक्रांत और जावेद मंसूरी इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। क्या जेल से सरकार चल सकती है? दीपक बिष्ट, सबसे बड़ी बात यही प्रश्न उठता है कि तिहाड़ जेल से गैंग तो चला रहे थे लॉरेंस बिश्नोई जैसे गुंडे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति, जैसे नेता, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या जेल से बैठकर सरकार चला सकते हैं? देखिए आनंद, अभी तक ये चीजें जो है पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जिस तरह से पहले ही विक्रांत जी ने बताया था कि यहाँ पर जिस तरह से फाइलिंग होती है, जो भी फाइल जाती है वो मुख्यमंत्री के आदेशानुसार उनकी देखरेख में, उनकी निगरानी के बाद जाती है। मंत्रिमंडल की सारी जानकारियाँ एलजी तक पहुँचाई जाती है, वो भी मुख्यमंत्री के द्वारा पहुँचाई जाती है, और वो तिहाड़ जेल के अंदर है तो ऐसा कैसे संभव होगा, क्योंकि कई सारे सिग्नेचर्स होते हैं फाइलों में, वो अंदर तक कैसे पहुँचेंगी, क्योंकि जेल मैनुअल इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। लेकिन अगर कहीं ना कहीं से ये सारी चीज़ें आती भी हैं तो कई आदेश ऐसे पारित करने होते हैं जिन्हें जेल के अंदर से वो नहीं कर सकते, तो ये काफ़ी यहाँ पर कठिनाई यहाँ पर दिल्ली सरकार में मंत्री और उनको भी आ सकती, क्योंकि मुख्यमंत्री कुछ जेल के अंदर है, तो यहाँ पर अभी तक कुछ भी ऐसा रास्ता साफ नहीं हुआ है कि वो कैसे यहाँ अंदर से चलाएंगे। हालांकि उसी दिन से लगातार जब गिरफ्तारी हुई थी अरविंद केजरीवाल की, तभी से लगातार आम आदमी पार्टी हमलावर थी और ये कह रहे थे कि वो दिल्ली की जो तिहाड़ जेल है वहाँ से सरकार चलाई जाएगी, लेकिन अब देखना यही हुआ कि किस तरह से सरकार चलाएगी, क्या यहाँ पर जुबानी यहाँ पर सरकार थोड़ी चलाई जानी है, यहाँ पर
कागजी और देखिए, लेकिन ये सारा पोजीशन जो है विक्रांत, अरविंद केजरीवाल के जो पूर्व में जो उनके स्टेटमेंट्स हैं, जो उनके वक्तव्य हैं अन्य नेताओं के खिलाफ, उसके तो बिल्कुल विपरीत ही जाते हैं। मनीष सिसोदिया क्यों अपना कार्यभार नहीं संभाल सकते थे तिहाड़ जेल से? सत्येंद्र जैन क्यों अपना कार्यभार नहीं संभाल सकते थे तिहाड़ जेल से? उनके उनसे क्यों कहा गया इस्तीफा दे दो? दूसरी बात, जब पिछली बार जब इससे पहले अरविंद केजरीवाल दूसरे नेताओं पर आरोप लगाते थे तो आरोप पर ही वो इस्तीफा मांग लेते थे, अब जब खुद पर आप पड़ी है तो कह रहे हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। विक्रांत, देखिए आनंद, इस मामले में जो सवाल उठ रहे हैं वो नैतिकता के सवाल हैं और निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इन सवालों का सामना करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल कोई सामान्य राजनीतिक पार्टी के नेता नहीं है, वो आंदोलन से निकली हुई पार्टी के नेता है और आंदोलन भी ऐसा है जो जनता के बीच से शुरू हुआ, जनता के बीच में जनता के समर्थन से उन्होंने आंदोलन खड़ा किया और उस समय सबसे अलग होने का दावा किया गया था। लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं जो हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जेल में है और वो उनकी पार्टी ये कह रही है कि हम जेल से ही सरकार चलाएंगे। नैतिक सवाल जरूर उठते हैं और नैतिकता के सवालों के जवाब कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर ही दे सकता है या पार्टी दे सकती है। लेकिन एक बात जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि आम आदमी पार्टी को, जो मुझे बातचीत करने से लग रहा है उनके बड़े नेताओं से, कि आम आदमी पार्टी को ये लग रहा है कि इस समय सामने चुनाव है, अगर इस समय अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के कारण उन्होंने पद छोड़ा तो पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो पार्टी के एकमात्र सर्वमान्य नेता हैं, उन्हीं के बूते ये पार्टी एकजुट है, उन्हीं के साथ एकजुट है और अगर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत है पार्टी के स्तर पर आएगी। इसी कारण पार्टी के सामने एक बहुत बड़ा संकट है। आनंद, ये समझिए कि सरकार बर्खास्त हो सकती है, वो जानते हैं कि ये संकट सामने है, उसके बावजूद वो अरविंद केजरीवाल को इस पद पर बनाए रखने का फैसला ले चुके हैं। देखिए, तो यानी बात फिर पावर की आ गई कि सत्ता किसके हाथ में रहेगी। हमें सत्ता का मोह नहीं है, हम जनता की सेवा के लिए सामने आए हैं, ऐसा खुद अरविंद केजरीवाल ने पहले कहा है। मैं किसी का, मुझे किसी चीज का लोभ नहीं है, मैं तो कल ये कुर्सी छोड़ दूंगा अगर जनता चाहेगी। मेरे खिलाफ अगर एक भी आरोप सिद्ध होता है तो फिर मैं कभी भी, मैं पूरी तरह से राजनीति से संन्यास ले लूंगा, ऐसा भी खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा है। जब दूसरे नेताओं पर आरोप लगे हैं तो उन्होंने कहा पहले अपने आप को निर्दोष सिद्ध करो फिर वापस पद पर आओ। खुद क्या इसे फॉलो कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये प्रश्न उठ रहे हैं। वही आपकी तरफ से यह है कि वो आपके नेशनल कन्वीनर है, हमारे नेता है, हम उनको अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है और जेल में उनकी पहली रात काफी बेचैनी भरी रही है, ऐसा सुनने को आ रहा है। न्यूज 18 इंडिया को एक खबर लगी है कि उन्हें घर से आया खाना दिया गया, उसके बाद उन्होंने किताब पढ़ी और फिर सोने के लिए चले गए, लेकिन पूरी रात उन्हें ठीक से नींद नहीं आई। हालांकि उन्हें गद्दा, तकिया और कंबल दिया गया, लेकिन वे रात में परेशान दिखे। जेल में केजरीवाल की पहली रात बेचैनी भरी रही, वो परेशान से रहे। सोमवार शाम जब वो तिहाड़ जेल पहुंचे तो उनके लिए पहले से ही बैरक तैयार कर लिया गया था। जेल नंबर 2 के बैरक में केजरीवाल को रखा गया। बैरक की लंबाई 14 फीट, चौड़ाई 8 फीट। केजरीवाल की बैरक में एक टीवी लगा है, सीमेंट का ऊंचा चबूतरा बना हुआ है। बैरक के बाहर 4 सुरक्षा कर्मी हमेशा तैयार रहेंगे। बैरक में सीसीटीवी लगा हुआ है। अरविंद केजरीवाल को डायबिटीज की शिकायत है, ऐसे में उन्हें उसी के मुताबिक स्पेशल डाइट और खाने की सुविधा दी जाती रहेगी। 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। हालांकि पहली रात वो सही से सो नहीं सके, रात में बेचैन रहे, बीच बीच में नींद खुलती रही। सुबह केजरीवाल ने चाय और बिस्किट का नाश्ता किया। केजरीवाल जेल में अखबार पढ़ सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं और सुबह कुछ समय के लिए बैरक के बाहर रह सकते हैं, लेकिन बाद में उन्हें बैरक में लौटना पड़ सकता है। केजरीवाल अपने बैरक में टीवी देख सकते हैं और जेल नियमों के मुताबिक उन्हें अपने परिवार के लोगों से मिलने की इजाजत भी दी गई है। दीपक बिष्ट, जावेद मंसूरी और विक्रांत इस वक्त हमारे साथ हैं। दीपक बिष्ट, जेल में, तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल की पहली रात काफी बेचैनी वाली रही, परेशान से रहे, बहुत सारी परेशानी है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन कौन से जेल में है? एक तरफ मनीष सिसोदिया जेल नंबर 1 में है, जेल नंबर 7 में सत्येंद्र जैन है, अरविंद केजरीवाल कौन सी जेल में है और उनके उनको विजिट करने के राइट्स किन के पास है और क्या इस पे भी कोई एक समय सीमा है?
देखिए आनंद, जेल नंबर दो में वो सेल में रखे गए हैं जहां पर 14/8 का वो सेल है जहां पर अरविंद केजरीवाल को रखा गया है। रात जो है उनकी कह सकते हैं क्योंकि पहली रात है, और जब भी कोई ऐसी जगह पर आता है, एक कोठी सा नुमा वो एरिया होता है, बहुत छोटा एरिया होता है जहाँ पर रखा जाता है, तो वहाँ पर बेचैनी भी होती है, नींद भी नहीं आती, काफ़ी परेशानियाँ होती हैं क्योंकि वहीं पर सोना खाना और रहना होता है। वहीं साथ ही सुबह से उनकी जो दिनचर्या है, सुबह उन्होंने वहीं पर चाय पी है और योगा किया है, अपने सेल की सफाई की है। हालांकि आज सुबह नाश्ता जो है तिहाड़ जेल का ही उन्होंने किया है जो हल्का फुल्का होता है, लेकिन लंच दोपहर 12:30 बजे तक उनके पास घर का नहीं आया था, जिससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि तिहाड़ का ही लंच उन्हें खाना पड़ सकता है। और किस तरह से वहां पर जो आपने बताया है कि जो दूसरे लोग हैं, क्योंकि 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ मंत्री जो रहे थे पूर्व में, उप मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ पर बंद है, लेकिन उनकी मुलाकात आपस में होना बिल्कुल मुश्किल है क्योंकि ये सभी जेल अलग अलग है। 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर में संजय सिंह है, 1 नंबर में मनीष सिसोदिया है, 7 नंबर में सत्येंद्र जैन है, तो इन सबको एक साथ मिलना इनका मुश्किल है क्योंकि ये सभी जेल है और इन सभी जेल में अलग अलग कैदी होते हैं, और इसलिए इन सबकी मुलाकात कहीं से भी संभव अभी तक नहीं है, क्योंकि जेल मैनुअल ये कहता है कि किसी की भी आपस में मुलाकात इन जेलों के जो जेल के अंदर जो लोग हैं, आरोपी हैं चाहे ट्रायल प्रिजनर हैं, वो सब जो है यहाँ पर एक दूसरे से नहीं मिल सकते। तो आज यहाँ देखना होगा, अगर इतनी सारे लिमिटेशंस है, नियमावली है और जेल का एक तौर तरीका है, तो यहाँ से सरकार कैसे चलाएंगे अरविंद केजरीवाल? वहीं दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी की मुश्किलें भी बढ़ती दिख रही है। शराब घोटाले वाले केस में ईडी को अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं, जिसके बाद आतिशी ईडी के रेडार पर आ गई है। ईडी को आतिशी पर गोवा चुनाव के लिए रिश्वत लेने का, 140 करोड़ जनता वो पाई पाई का हिसाब मांग रही है। हुआ कि उनको मुख्यमंत्री